जब पहली बार आप लोग हमसे रूबरू हुए इस मसले में तो हमने यही कहा कि ये मिसिंग का केस है, क्योंकि उसके घर वालों ने कश्मीर में जब वो घर जा रहे थे वो घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने कश्मीर में जो है एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अगले दिन ये सारी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आई, लेकिन सोशल मीडिया के बेसिस पे आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपरली मिसिंग का केस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही से जांच करे और सबूत पेश करे कि वाकई उसने अगर ज्वाइन किया है तो उसका सबूत पेश करे, और अगर ऐसी बातें नहीं है तो एक मिसिंग का केस है कम्प्लीटली। और इस पर हम एजिटेशन भी चलाने को तैयार है कि मन्नान वानी है कहाँ, क्योंकि इस तरह से किसी को भी फ्रेम किया जा सकता है। तो ये एकदम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं हम यूनियन तलबा यूनियन की जानिब से कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर नहीं दे पा रही हैं, जवाब नहीं दे पा रही है, तो हम लोग मिसिंग के लिए उनके लिए आपने कंप्लेन अभी दर्ज करी है मिसिंग? नहीं, कंप्लेन उनकी ऑलरेडी दर्ज है वहाँ पे, क्या नाम है, कश्मीर में उनके घर वालों ने दर्ज की है। यहाँ के पुलिस का क्या कहना है? यहाँ के पुलिस का अभी कुछ मैंने कहा ना कि सारी पुलिस अलग अलग तरह से वर्क कर रही है, कोई अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहे, हालांकि 3 दिन 4 दिन हो गए हैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहे। ऐसा था तो LIU को पहले से जांच क्यों नहीं हो पाई? LIU कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। बिल्कुल, LIU अगर ऐसा था तो LIU विफल नजर आ रही है। क्यों सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है LIU पे? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो रहा था? ये सारे सवाल हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रॉपर वे में रिपोर्ट सबमिट करती हैं ठीक है तो सही है, और अगर नहीं कर पाती हैं तो हम लोग मिसिंग के लिए जो है क्या नाम है एक अभियान यहाँ से चलाएंगे कि मन्नान वानी है कहाँ, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, एक ब्राइट स्टूडेंट है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मिसिंग का पार्ट जो है वो खासतौर से आप लोग भी ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ एक बात और मैं बताऊँ कि जिस तरह से मीडिया के कुछ लोगों ने ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कौन से लोग हैं और मैं उनको कोट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, उन लोगों ने मन्नान वानी के रूम पार्टनर मुजम्मिल हुसैन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने उनको टारगेट किया, ये बहुत ही दुखद है। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने टारगेट किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले हैं हम लोग, और डिफेमेशन सूट भी डालेंगे, क्योंकि मुजम्मिल हुसैन जी किसको किया गया था? मुजम्मिल हुसैन यहाँ का रिसर्च स्कॉलर, उसने एक अच्छा एंट्रेंस क्वालिफाई किया और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नागपुर में जॉब कर रहा है पिछले 8 महीने से, ए ग्रेड ऑफिसर है ठीक है, और वो 8 महीने से जॉब कर रहा है, उसको फ्रेम मिलाया गया जबरदस्ती कि ATS के राडार पर मुजम्मिल हुसैन वानी। अरे मैंने कहा उनसे किसके खिलाफ आप इस पे करेंगे मुकदमा? जिन लोगों ने भी इस तरह की न्यूज़ चलाई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे वो क्या नाम है आपको सोशल मीडिया पे लोग जो एक्टिव हों, चाहे आपको क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नाम बताएंगे उनका? नहीं, नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, वो आपको डिस्क्लोज हो जाएगा। हम उनको लेटर लिख रहे हैं आज ठीक है, और बिल्कुल उनसे जवाब मांगेंगे। मैंने फ़ोन पर उनसे यही कहा कि क्या ATS की तरफ से क्या नाम है आपके पास लेटर आया था तो आप बताइए, तो बिल्कुल बोले कि नहीं सरपंच हो गए। देखिए ऐसी चीज़ें इस तरह से यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है, और लगातार जो लोकल मीडिया इन कोशिश में लगी है, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनसे इसका जवाब मांगा जाएगा। लगातार हमने बातचीत के दौरान आप लोगों से भी यही कहा कि कोई भी इनोसेंट को जो है ना फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर वे में हो। चूंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि 2001 में और भी पहले भी ऐसा हुआ है कि लोग फ्रेम किया गया या वो पकड़े गए उठाए गए, आप कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं, और बाद में जो है उनको क्या नाम है बाइज़त बरी किया कोर्ट में 15 साल बाद 16 साल बाद 20 साल बाद, तो आखिर उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। 15-16 साल जवानी की उनकी ज़िंदगी थी, वो बर्बाद हो गई। तो इन सब पहलुओं को देखने की ज़रूरत है कि अगर वो इनोसेंट है ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है सही तरह से प्रॉपर वे में जांच करे ठीक है। इफ़ ही इज़ कल्प्रिट, अगर उसने ज्वाइन किया तो बिल्कुल उसने गलती की है और उसको क्या नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मामला होना चाहिए, लेकिन जाँच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, जाँच में कोई आगे पीछे मामला नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। और बिल्कुल हम लोग इसको अगर उसने ज्वाइन किया तो टॉयलेट नहीं करते, यूनिवर्सिटी उसको टॉयलेट नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि कश्मीर के जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं अगर वो टारगेट होते हैं इस सिलसिले में तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए SSP साहब से हमने कल भी बात की, हमारी परसों भी बात हुई है, लगातार हमारी उनसे बातचीत हो रही है, और जहाँ तक स्टूडेंट को टारगेट करने की बात है तो ये बिल्कुल गलत है। हमने SSP साहब से साफ साफ कहा, वाइस चांसलर साहब से भी साफ साफ कहा कि देखिए एक स्टूडेंट की वजह से और सारे स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चूँकि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है आप बुलाइए, लेट डाउन प्रोसेस को फॉलो कीजिए, हमने इसके हिसाब से यही कहा, और आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कीजिए और उनसे अगर पूछताछ करनी है, अगर आपको लगता है कि पूछताछ जरूरी है तो आप पूछताछ कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन किसी छात्र को इस तरह से परेशान करना, किसी भी स्टूडेंट को परेशान करना कि भाई आप ऑब्वियसली बात है ही वाज वेरी एक्टिव स्टूडेंट ठीक है, रिपोर्ट सही नहीं आती तो यूनियन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? किस चीज़ के लिए अगर उस पर कार्रवाई ठीक नहीं होती तो यूनियन का क्या कदम? बिल्कुल हमारा बिल्कुल कदम यह है कि एक भी स्टूडेंट को परेशान नहीं होने देंगे।
कश्मीरी छात्रों को क्या जिला प्रशासन परेशान कर रहा है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं परेशान कर रहा है। लगातार हम लोग जिला प्रशासन से टच में हैं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। कश्मीरी स्टूडेंट्स भी आए थे वो लोग मिलने के लिए, ठीक है, हमने उनको एश्योर किया, ठीक है, कोई किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। जिस तरह से फैलाई जा रही है चीज़ें कि डर का माहौल है और ये और वो, डर का माहौल क्या होगा? एक स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है? दिस इज नॉट द वर्जन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ये इस बात को आप लोग सोचिए, क्या मानते हैं यूनिवर्सिटी की छवि को खराब किया जा रहा है? नहीं देखिए, मैंने आपको कहा पहले ही कि इसको यूनिवर्सिटी से ना जोड़ के आप कश्मीर से जोड़िए। ये कश्मीर का मुद्दा है, ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसीज है, जो कश्मीरियत की बात हो रही है, वो फेल हो रही है। सरकार को अपनी पॉलिसीज को देखने की जरूरत है। एक ब्राइट स्टूडेंट अगर जा रहा है अगर मिलिटेंसी की तरफ, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है।